की चुगली वाली चाची आ गई। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, वो हैंडसम, वो स्मार्ट, वो गुड लुकिंग, वो ही जो आप सबके फेवरेट है, वो ही जिन पर आप सब लड़कियाँ मरती हैं, जो बहुत प्यारे हैं, जो आपके सांवले सलोने बहुत हैंडसम है, जिन पे आप सारी लड़कियाँ मरती हैं, हाँ हाँ वही आपकी राधा के कृष्ण, यानी कि आप सबके सुमित। हाँ हाँ फ्रेंड्स, आप सबके सुमित। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुमित के फादर डे का प्लान क्या है। जब चाची ने सुमित से पूछा, भाई सुमित, सब अपने अपने पापा के साथ फादर डे मना रहे हैं, आप भी चाची को बताइए कि आपके फादर डे का प्लान क्या है। तो चाची ने बताया, चाची को सुमित ने बताया, चाची मैंने अपने पापा से बहुत अच्छे से, मेरे पापा ने अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी मुझे बहुत अच्छे तरह से सिखाई है। वो हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा हमेशा मेरे लिए सब करते हैं, इसलिए वो हमेशा उन्होंने मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना सिखाया है। चाची, वो मेरे पापा पुणे में रहते हैं और मैं फ़िलहाल पुणे नहीं जा पाऊँगा, मगर मैं उनके लिए ज़रूर कुछ स्पेशल प्लान करूँगा। वो मेरे पापा मेरे को हमेशा बहुत प्यार करते हैं और मेरे दोनों भाइयों की और मेरी माँ की सबकी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि सुमित पुणे से बिलोंग करते हैं और उनके पापा भी पुणे रहते हैं, पर जब चाची ने पूछा कि क्या भाई सुमित, आप पुणे जाएंगे अपने पापा के साथ फादर डे मनाने, तो उन्होंने कहा, चाची मैं तो पुणे नहीं जा पाऊँगा, पर मैं पापा के लिए बहुत स्पेशल प्लान करूँगा। ऐसा करता हूँ, चाची पापा को ही मैं यहाँ पर मुंबई बुला लेता हूँ। मैंने कहा, हाँ सुमित ये बहुत अच्छा रहेगा और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें ज़रूर स्पेशल फील कराऊँगा। और तभी सुमित ने हमें एक वाक्य बताया कि चाची, मैंने कहा, हाँ हाँ सुमित बताओ आप फादर डे के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो सुमित ने कहा, चाची मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है, एक बार जब मेरे पापा मेरे सेट पे आए तो मैं उन्हें क्या ट्रिब्यूट देता, मैंने उन्हें अपने राधा कृष्ण के सेट पर, जो मैं कृष्ण बनता हूँ, मेरी फेवरेट पगड़ी मैंने उतार कर अपने पापा को पहना दी और मेरे पापा बहुत खुश हुए, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सीरियस की खुशी जितनी मुझे नहीं होती उतनी मेरे पापा को होती है, मेरे पापा बहुत जिम्मेदार हैं और वो सारा काम बहुत ज़िम्मेदारी से करते हैं। वो मेरी मम्मी का ध्यान रखना हो या मेरे दोनों भाइयों का ध्यान रखना हो या मेरा ध्यान रखना हो, मेरे पापा हर काम बड़ी ज़िम्मेदारी से करते हैं। चाची, तो फादर डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं इस फादर डे पर मैं तो पुणे नहीं जा पाऊँगा, पर मैं अपने पापा को यहीं बुला लूँगा और अपने दोनों भाइयों को भी यहीं बुला लूँगा और अपनी मम्मी को भी यहीं बुला लूँगा और अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने पापा के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करूँगा। मैंने कहा, अरे भाई वाह सुमित, तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो और तुम्हारी और तुम्हारे पापा के साथ की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जब जैसे ही चाची को ये बात पता पड़ी, चाची ने कहा, अरे ये सारी बात अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ। चाची ने अपनी चुगली वाली पोटली उठाई और आप सबको बताने के लिए, ऐसे ही आपके सारे स्टार्स की खबर जानने के लिए चाची के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना और आपने सारे